हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे, की हाल चाल। तो भैया देखो, कल जो हमने वीडियो बनाई थी ना इंटरनेशनल बॉर्डर वाली, वो जो पिटीशन वाली, तो उस पर जाके साइन करो सब लोग, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो वो लिंक, ठीक है। तो उसमें ना मतलब मैंने डेफर के बारे में बताया था, तो काफ़ी लोगों का कहना ये था कि जब उन्होंने बात करी, मैंने उनके एजेंट ने ये बता रखा है कि आपको दोबारा वीज़ा फाइल नहीं करना पड़ेगा जब आपका कोर्स एंड होने वाला होगा, जस्ट आपने COE लेनी है और आपने अपनी इमिग्रेशन को ईमेल करनी है, वो एक्सटेंड कर देंगे। ना भाई ना, मैं बताता हूँ पूरी प्रोसेस। हमारे साथ एक लड़का रहता है, अभी भाई ने अप्लाई किया हुआ, वीज़ा नहीं आया, जब आ जाएगा तो भाई को सामने ला के प्रूफ भी दे देंगे, ठीक है। तो अभी काम पे जाना, फिर बताते हैं चीज़ें। तो जो प्रोसेस आप इंडिया से करके आए हो, मैं आपको बताता हूँ, एक ही बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको आइल्स नहीं करनी पड़ेगी दोबारा, चाहे आपकी एक्सपायर भी हो गई है, उसकी जगह पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट लग जाती है, जो आपने एग्जाम्स पास किए हैं, मतलब जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किए हैं उसकी आपकी लग जाती है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। उसमें भी अगर आपके 50% से ज़्यादा मतलब आपने पास किए हैं तो ही वो वैलिड होएगी आपकी ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपके मान लो 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और आपने 5 पास किए हैं उतने टाइम पीरियड में, जब तक आपका एग्जाम वो आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है ना, जो आपका डेफर वाला टाइम पीरियड है, जैसे मान लो आपको 6 महीने के लिए करवाना है, तो अगर आप 6 महीने के लिए भी करवा रहे हो, चाहे 1 साल के लिए करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, उसमें भी आपको फंड शो करवाने पड़ते हैं। अगर आपका एजेंट आपको कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा, जब आप उधर जाओगे बस आपको ईमेल डालनी है और COE लेनी है। देखो, COE आपकी एक दिन में आ जाती है, यूनिवर्सिटी तुरंत रिस्पॉन्ड कर देती है, आप उनको ईमेल डालो कि मेरे ये सब्जेक्ट रहते हैं, मेरे को आगे इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए, तो वो आपको विद इन अ डे आपको COE दे देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आती है भाई इमिग्रेशन की, जब आप वीजा फाइल करते हो ना आपको फंड भी शो करवाने पड़ते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जस्ट इमिग्रेशन को ईमेल डालनी, भाई इमिग्रेशन हमारे मामा का लड़का नहीं बैठा उधर कि जो हमें बस ईमेल डालने पे हमारा वीजा एक्सटेंड कर देगा, उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहिए होती है। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा, मेडिकल भाई मेडिकल भी वो लड़का करवा के आया है, सारे प्रूफ दूंगा, बट वेट करो अभी थोड़े दिन, वीजा आन दो भाई गुरु मेरे करे, लड़के का वीजा आए पहले तो फिर आपको बताया जाएगा। भाई उधर से एजेंट बैठ के बहुत काटते, सीधी बात बताऊं, मेरा भी काटा गया था, लेकिन हमारा एजेंट चलो ठीक है, उसने बहुत काम चलाया हमारे, तो हम किसी को गलत नहीं कहते। तो हमारे एजेंट ने कुछ जगह पे हमारे एक्स्ट्रा पैसे लिए थे जो कि नहीं लेने चाहिए, बाकी हर कोई अपने पैसे का सोचता है, चलो अच्छी बात है कि लेने लिए, हमारा काम हो गया। मक्खियाँ किधर से आ गई? और लास्ट वीडियो के थंबनेल के लिए यूट्यूब ने मेल भेजी है कि वो सेक्स न्यूडिटी फलाना ढिमकाना वो वायलेंट कर रही है पॉलिसीज को, उन्होंने मेरा थंबनेल हटा दिया। मैंने सोचा, मेरे क्या लगता था वीडियो के चक्कर में आई है, वीडियो मैं प्ले करके देखा, वीडियो चल रही थी, ये सीन है, पगला गया यूट्यूब, नंगे की दौड़ लगाया था भाई थंबनेल। और भैया उसमें आपको SOP भी लिखनी पड़ती है, मतलब प्रॉपर वीज़ा आपको दोबारा से फाइल करना पड़ता है इमिग्रेशन को, प्रॉपर फाइल बनती है आपकी। हम लोग काफ़ी पहले आ गए, काफ़ी पहले मतलब 11 बजे चालू होने में 10:46 पे आ गया यार। पॉल वॉकर की ड्राइवरी ख़राब हो गई थोड़े दिन में, नहीं उसने गलत लगाई है गाड़ी ये वाले ने ऊपर चढ़ा के लगाई है, मेरे को लगा हम गलत लगा रहे हैं। तो भैया जी, ये दूसरा दिन और सुबह सुबह भूख बहुत लगी है, तो सबवे आए हैं, मंडे वेजिटेरियन वेजी पैटी, नो चीज। तो भैया खा पी लिया आ गया है, और अभी अपने को जाना है कोविड टेस्ट के लिए, क्योंकि अपन लोग कहीं जा रहे हैं, तो वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मतलब वैसे डन तो है जाना है, लेकिन डेट फिक्स नहीं है, बताएंगे जल्दी, तो उसके लिए कोविड टेस्ट चाहिए। होएगा अभी, मैंने उनसे पूछा है कि बाहर तो नहीं निकलना कार से, बोले नहीं अंदर बैठ, प्रेशर भी पड़ा है, पोटी भी आई है, कहीं यहीं ना निकल जाए, तो आईडी वीडी भी देनी होगी आई थिंक। मेरी जस्ट आई हैव अ फोटो आईडी कार्ड, इंटरनेशनल लाइसेंस, सो आई हैव अ प्राइवेट इंश्योरेंस। Yes, that's good claim. You'll be sent an account. That's the policy number. Thank you. Now, do you have a mobile phone number? Yeah, it's 044. You just sign. Okay, open wide. Open your mouth wide. That's it.
And now the nose, right side first. Well done. And left. Well done. अरे भाई आंखों से पानी निकल जाता है। अरे यार भाई चल जा। और एक चीज बता दीजिए, जैसे विक्टोरिया स्टेट है ना, वहाँ पे अगर आप कोविड टेस्ट करवाते हो तो आपको $450 मिलते हैं एक बार टेस्ट करवाने के। हमारी न्यू साउथ वेल्स वाली जो गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल वो है जितना गंदा सोच पा उसके बारे में वो है। तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता भाई एयरपोर्ट का। और अगर आप विक्टोरिया में कोविड पॉजिटिव पाए जाते हो तो आपको $1600 मिलते हैं 14 दिन घर रहने के लिए। तो भैया डिलीवरियां कर रहे हैं और डिलीवरी आई है, पता नहीं कितने गुजार है। तो उस पर भाई ये लेवल्स में जाना पड़ता है अपार्टमेंट्स में ना, बहुत टाइम खराब होता है बहुत ज्यादा। तो को भी करके करते बात। सुंदर बना। तो भैया कल की वीडियो में ना ज्ञान काफी पेल दिया था और आज की वीडियो में भी थोड़ा ज्ञान पेलना है, लेकिन यूं नहीं जाके पेलेंगे इसमें। आज बताना है कि अगर मान लो आप फेल हो जाते हो एग्ज़ाम में है ना, तो ड्रॉबैक्स क्या है उसके, मतलब एग्ज़ाम एग्जाम का क्या सीन रहेगा। वो फ्री का खाना ले लिया इधर रेस्टोरेंट जिधर अपने प्रदीप भाई काम जिधर अपना भाई काम करता है प्रदीप, पहले मैं भी इधर काम करता था, फ्री में फूड मिल जाता है ना। पैसे नहीं है भाई, पैसे बचाने हैं। हाँ जी भैया, तो अब आ गए अपन लोग यूनिवर्सिटी और अब अपन लोग बात करेंगे कि अगर मान लो आप इधर किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, किसी सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं, क्या हिसाब किताब रहता है और क्या आपको फाइन पड़ता है या क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्या फलाने मकाना, जो भी सारी चीज़ें होंगी आज आपसे बात करी जाएगी। पहली बात तो मैं बता दूँ, अगर आपके मान लो 3 सब्जेक्ट हैं ठीक है, अगर आप उनमें से एक में फेल हो और 2 में पास हो फिर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ठीक है। तो आपको यूनी की तरफ से आपको कोई ईमेल नहीं आनी है, कुछ नहीं होने वाला है ठीक है। और अगर मान लो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो, कई बार ऐसा होता है हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे हमारी वाली यूनिवर्सिटी में सीन ऐसा है कि अगर जैसे हम लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, अगर हमारे असाइनमेंट में हम लोग फेल थे ठीक है, तो हम लोगों को असाइनमेंट दोबारा देना पड़ता है। अगर हम लोगों का असाइनमेंट में पास हो गए थे और एक्चुअल एग्ज़ाम में फेल है तो हमें खाली एग्ज़ाम देना होता है ठीक है। उसमें भी आपको मैं बताता हूँ सीन क्या होता है। हम लोगों की यूनी में 100 में से अगर आपके 50 मार्क्स आते हैं, मतलब 50% आपके आते हैं, तो आपको पास माना जाता है, वो भी एग्ज़ाम में। ये नहीं कि आपके असाइनमेंट और एग्ज़ाम मिला के दोनों, ऐसा नहीं है। खाली एग्ज़ाम में अगर 100 में से 50 हैं तो आपको पास किया जाएगा। मतलब अगर आपके 40 से 45 के बीच में हैं, मतलब 40 से और 50 के बीच में हैं, तो आपको एडिशनल एग्ज़ाम देने का ऑप्शन दे देते हैं लोग। आपको दोबारा फीस नहीं भरनी है ना आपने असाइनमेंट देना, अगर आप असाइनमेंट्स में पास हो तो। अगर आप असाइनमेंट भी फेल हो तो आपको दोबारा असाइनमेंट भी देने पड़ेंगे। अगर आपको एडिशनल एग्ज़ाम देना पड़ रहा है तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और अगर आपको एडिशनल असाइनमेंट देने पड़ रहे हैं तब भी कोई नहीं देना पड़ेगा आपको पैसा। अगर आप दोनों में प्रॉपर ढंग से फेल हो, अगर आपके 40 नहीं आते एग्ज़ाम में, तो आपको प्रॉपर असाइनमेंट भी दोबारा से देने पड़ेंगे और आपका सब्जेक्ट भी आपको दोबारा से करना पड़ेगा, जिसकी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी जितनी भी आपकी होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट की फ़ीस है $3,350। तो अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो उसको उतने पैसे भरने पड़ते हैं। तो ये एक क्लियर हो गया कि फेल होने का क्या 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 सीन है। इधर असाइनमेंट्स के अलग मार्क्स होते हैं और एग्ज़ाम के अलग। और उसके बाद आता है कॉल है, उसके बाद आता है जैसे मान लो आपके 3 सब्जेक्ट थे और अगर आप 2 में फेल हो गए और 1 में पास हुए हो, तो आपको यूनी की तरफ से मेल आती है कि आपने 50% जो अटैम्प्ट था, मतलब अपने कोर्स का, वो आपने नहीं कम्प्लीट किया है,
तो अगर दोबारा बाई चांस आप दोबारा अगले सेमेस्टर में भी सेम यही काम होता है आपके साथ, अगर आप 50% नहीं क्लियर करते हो तो आपको फिर यूनी आपकी इमिग्रेशन को भी दे सकती है केस आपका कि ये बच्चा ढंग से पढ़ नहीं रहा है, फलाना ढिमकाना कुछ भी है। ये खाली यूनी की धमकियाँ होती हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है ये नहीं पता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये धमकियाँ आती हैं। पहले सेमेस्टर में जब मैं था तो मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, बाद में मैंने लेके क्लियर कर लिया, तो वो दिक्कतें आती रहती हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को। और कोई नई बात नहीं, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है इधर, हम लोग जैसे हमारा पता क्या, हम लोगों ने इस तरीके की पढ़ाई कभी करी नहीं होती जिस क्राइटेरिया से ये लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को पहले सेमेस्टर में तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और जब तक समझ आती तब तक सेमेस्टर कम्प्लीट हो गया होता और हम लोग फेल हो गए होते हैं। अगर जो पढ़ाकू बच्चे वो नहीं होते भाई, जो मेरे जैसे बिल्कुल निल बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं एक आधे एग्ज़ाम में। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे, काफ़ी दोस्त हैं तो वो फेल हुए हैं और मैं भी हुआ था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। और फिर बात आती है यार प्लेजरिज्म, यानी कि आपने कहीं से छापा, ठीक है, इंटरनेट की सोर्स से या कहीं से भी, तो आपके जब असाइनमेंट्स होते हैं तो आपने वो नहीं करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आपके चाहे ओपन बुक एग्ज़ाम ज़रूर होते हैं, लेकिन आपने उसमें से भी छापना नहीं है इंटरनेट से, आपने उसको आइडिया लेके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मान लो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हैं, जैसे जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडिया से ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऐसा ना हो कि आप डिट्टो छाप दो जो आपका एग्ज़ाम है इंटरनेट से, ऐसा नहीं करना। ढंग से आइडिया लो लेकिन अपने वर्ड में लिखो और उसको ढंग से प्रॉपर ढंग से लिखना है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, आप सोचते हो कि मैं अगले सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट ले लूँगा, तो काफ़ी बार ये होता है कि वो सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में अवेलेबल ना हो के अगले टर्म में होता है, यानी कि अगले सेशन में जब भी वो उसी टाइम, जैसे मान लो आपने फेब में स्टार्ट किया था तो अगले साल फेब में वो स्टार्ट दोबारा से आप कर सकते हो, ना कि आप जुलाई इनटेक में। जुलाई इनटेक में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, हमारी यूनी में तो ऐसा ही सीन है कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टाइम पे काफ़ी सब्जेक्ट्स हम लोगों को मिलते नहीं है एक टाइम पे। एग्ज़ाम्स बस असाइनमेंट से ही आते हैं, और लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर जरूर पड़ा होता है। आप अपनी स्टूडेंट आईडी में जाएं, वहां पे अपने पोर्टल में जाके चेक करें, हर एक सब्जेक्ट का पड़ा होता है और उससे आपको आइडिया मिल जाता है। और ज़्यादा नहीं तो अगर मान लो आपके 20 क्वेश्चन हैं उसमें से 3-4 तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, उससे यही है। बाकी घूम फिर लिया और कोविड टेस्ट का कल पता लग जाएगा क्या रहा है, तो बस यही है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और अभी ना जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था, इधर प्रेमी जोड़ा ऊपर घूम रहा है, आज़ादी है भाई कुछ भी करो। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए होते हो बस उसी की आपने फ़ीस देनी है, ना कि पूरे सेमेस्टर की। तो इधर सब्जेक्ट वाइज फ़ीस होती है, सेमेस्टर वाइज फ़ीस नहीं होती है। तो जितने भी आप सब्जेक्ट उठाओगे एक सेमेस्टर में, अगर आपने 3 लिए उसी के हिसाब से फ़ीस होगी, अगर आपने 4 लिए तो फिर उसी के हिसाब से होगी फ़ीस, ये सीन रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है यूट्यूब, फिर पुश करता है वीडियो, ऐसा होता है सिस्टम। अभी लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो आउटपुट देना चाहिए ना आप लोगों को। रात के टाइम भी प्रॉब्लम चल रही है भाई इधर।